बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर ख्वातीन ये कहती हैं कि सर मैं कंसीव नहीं कर पा रही, पता नहीं मसला मेरे अंदर आ रहा है या फिर मेरे हस्बैंड के अंदर मसला है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी अलामत बताने जा रहा हूं, अगर ये अलामत आपके अंदर नहीं है तो आपको खुद को इलाज करवाने की जरूरत है। अगर आप यहां पर ही अपने आप को ऑब्जर्व कर लेती हैं कि आपके अंदर मसला नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट करवाइएगा, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीनों के बाद आप कंसीव कर लोगे। क्योंकि ख्वातीन के अंदर एक अमल होता है हर महीने के अंदर जिसको जरखेजी का अमल बोलते हैं, और वैसे इसको इंग्लिश में ओवलेशन बोलते हैं और हिकमत के अल्फाज में इसको जरखेजी भी बोला जाता है। अगर कोई खेती जरखेज होगी तो उसमें अनाज जो है वो उगेगा, अगर खेती ही जरखेज ना हुई तो अनाज नहीं आप उठा सकते। उसके लिए मैं आपको कुछ तीन से चार ऐसी अलामत बताऊंगा, अगर वो अलामत आपको समझ आ जाती हैं तो आप अपने हस्बैंड की रिपोर्ट कराइएगा, आपके अंदर मसला नहीं होगा। मेरा नाम है अकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर पहली दफा विजिट किया है। अगर आप हमारी दिलजोई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले खवातीन की माहवारी के दरमियान में खवातीन का एक जरखेजी का दिन होता है जिसको ओवलेशन बोलते हैं, अंडे का इखराज का दिन। अक्सर खवातीन की माहवारी की साइकिल 35 दिन तक चली जाती है, कुछ खवातीन की माहवारी की साइकिल 30 दिन तक होती है। तो पहली बात यह समझ लें कि अगर आपकी माहवारी के दरमियान में आपने हर महीने नोट डाउन कर लेना है, उसका जो दरमियान बनता है उन दिनों के अंदर एक ओवलेशन का डिस्चार्ज होता है, व्हाइट कलर का ओवलेशन का डिस्चार्ज, यानी कि अंडे के खारिज होने से पहले एक हल्का सा डिस्चार्ज होता है। अगर ये डिस्चार्ज आपको हो रहा है तो समझिएगा आपकी ओवलेशन हो रही है। अगर आपको ये डिस्चार्ज नहीं होता तो आपको ओवलेशन नहीं हो रही, आपको जरूरत है, आप अपना इलाज करवा लें। ये व्हाइट कलर का डिस्चार्ज असल में होता क्यों है? क्योंकि जब ओवलेशन होनी होती है, अंडे का इखराज होना होता है, तो एक सेल जो होता है जिसको एग बोलते हैं, इसका एक प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सेल, जब वो फटता है, एग रप्चर होता है, तो वो जो ऊपर वाला व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, और जो एग होता है वो वहां पर फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस का वेट करता है। तो जब आपका ओवलेशन का दिन आता है तो आपको व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होगा। अगर आपको ये डिस्चार्ज नहीं होता, इसके अंदर तब्दीली नहीं आती, पहले ये थिक होता है, उसके बाद ये थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, तो फिर आप ओवलेशन नहीं। उसके अलावा नंबर सेकंड पे खवातीन की जो माहवारी की साइकिल होती है ये ऊपर नीचे हो जाती है। पहले ये समझ लें कि नॉर्मल माहवारी की साइकिल होती कितनी है। अगर एक डेट को आपको पीरियड्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी नौवा महीना चल रहा है, यकम डेट को आपको पीरियड्स आ जाते हैं, और वेरी नेक्स्ट पीरियड्स आपको 30 या 28 दिन बाद आते हैं, तो आपकी साइकिल बन गई 30 की या 28 की। अगर यही साइकिल बढ़कर अगले महीने की 5 डेट तक भी आ जाती है तो ये एक नॉर्मल माहवारी है, इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। उसका मिड कर लेना है, ओवलेशन निकाल लेनी है, उसके अंदर डिस्चार्ज चेक कर लेना है। लेकिन इसमें यहां पर समझने की जरूरत है, अगर ये साइकिल बिल्कुल मतवाजन है, गैर मतवाजन नहीं है, तो फिर आप ओवलेशन कर रही हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि आपको ओवलेशन नहीं हो रही, क्योंकि माहवारी की जो साइकिल है वो आपकी रेगुलर होगी। अगर रेगुलर नहीं है, यहां पर आपकी एबनॉर्मल माहवारी है, गैर मतवाजन माहवारी है, तो इसमें आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आपका अंडा खारिज ना हो रहा हो। इसका मकसद हरगिज नहीं है कि आपकी गैर मतवाजन माहवारी है और आपका अंडा खारिज होता ही नहीं। सम टाइम क्या होता है, अंडा खारिज हो भी जाता है और वो मैच्योर भी होता है, लेकिन माहवारी भी गैर मतवाजन होती है, लेकिन ज्यादा चांसेस ऐसे ही हैं कि गैर मतवाजन माहवारी में अंडा खारिज नहीं होता। अब हम बात कर लेती हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पर ये है कि अमाउंट ऑफ पीरियड्स, कि जो पीरियड्स होते हैं वो आपको लाइट आ रहे हैं या आपको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं, इनमें भी समझने की कुछ जरूरत है, इसको समझिएगा तसल्ली से। कुछ खवातीन को माहवारी आती ही रहती है और बार बार आती रहती है, इवन के 10 दिन तक उनको माहवारी ये आती रहती है और हल्के फुल्के से ड्रॉप्स तक लगते रहते हैं। पहले माहवारी आती, फिर खुलकर आती है, फिर 10 दिन तक चली जाती है। अगर आपकी माहवारी इस तरह से आ रही है तो समझिएगा कि आपकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ये आपके लिए अच्छा साइन नहीं है। अगर बहुत ज्यादा कम है, अमाउंट जो है ब्लड की बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, तो ये भी एक अच्छा साइन नहीं है, ये भी आप ओवलेशन नहीं कर रहे।
अगर इसके बरअक्स ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल ठीक होती हैं, तो आपकी ओवुलेशन हो रही है, आपको हस्बैंड की रिपोर्ट करवाने की जरूरत है। तो जब आपको ये तसल्ली हो जाती है तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि आप ओवुलेशन कर रही हैं, आपकी जरखेजी भी ठीक है और आपका अब हमल भी हो सकता है।